हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बताऊंगी जिसको यूज़ करने से आपको बहुत ही ज़्यादा होने वाला है फ़ायदा। दोस्तों, अक्सर लोगों की विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और वो अपने फेस की केयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनके फेस पे ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं और उनके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे भूरी स्किन हो रही है। तो दोस्तों, विंटर में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको यूज़ करने से आप विंटर में अपनी स्किन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। पहली टिप ये है कि आपने अपने फेस को ऑलिव ऑयल से साफ़ करना है बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद कॉटन की मदद से आपने अपने फेस से ऑयल को रिमूव कर देना है। अब आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेंगे जो जेल बेस हो, उसे आपने फेस को वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा ऑयल ले लें, एसेंशियल ऑयल ले लें, या आप ऐसा करें कि आलमेट ऑयल ले लें जिसको आप स्किन में ऑब्जर्व कर सकें। आपने थोड़ा सा लोशन लेना है, कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लोशन ले लें, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं एसेंशियल ऑयल के ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह से फेस पे लगाएं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि विंटर में आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। साथ में आप ऑरेंज जूस का इनटेक ले सकते हैं, उसको पीते रहें तो दोस्तों आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बेनिफिट्स और टिप्स। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।